हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो आपके लिए प्लान लेके आया हूँ उसका साइज़ है 10 फीट बाई 50 फीट। ये एक छोटा हाउस प्लान है, जैसा कि आप देख रहे हो इसका चौड़ाई जो है वो 10 फीट है और इसका जो गहराई है 50 फीट है, 50 फीट है। 10 फीट बाई 50 फीट का ये 2 BHK का प्लान होने वाला है, जैसा कि आपने टाइटल्स में भी देखा होगा। और यहाँ पे कार पार्किंग भी डिज़ाइन किया हुआ है। अभी इसमें जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी डिज़ाइन कर रखा है ये। तो चलिए सीधे अभी पहुंचते हैं अभी अपने घर के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं अभी हम ग्राउंड फ्लोर के लिए अभी रोड पे हैं, अभी यहाँ पे रोड पे हैं। इधर से हम अभी अपने घर के अंदर जाएंगे। ये जो है इसका जो मुख है इस प्लॉट का वो पश्चिम दिशा की तरफ है। ये वेस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है, बाकी तीनों तरफ घर बन चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी घर बन चुके हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को डिज़ाइन किया गया है, ताकि हमारे घर के अंदर जो रोशनी है और फिर हवा का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता रहे। तो सीधे चलिए अभी पहुंच जाते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ पे आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 फीट चौड़ाई है बालकनी का, और यहाँ पे 3 फीट है। यहाँ पे इस तरह से बालकनी की ये जो लाइन है इस तरह से है, और यहाँ पे हम ये जो यहाँ पे जो चौड़ाई है 2.5 फीट है। तो इसी के ठीक नीचे से अभी हम अपने कार पार्क एरिया में जाएंगे। यहाँ पे कार पार्किंग डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे 8 फीट चौड़ा यहाँ पे एक गेट आएगा। 8 फीट जो है, 8 फीट जो आप देख रहे हैं ये गेट है, गेट के लिए यहाँ पे जगह है। और ये 10 फीट पूरे हमारे प्लॉट की जो चौड़ाई है। तो इधर से जैसे ये 8 फीट का गेट जब ओपन होगा तो जो हमारी कार है कार पार्किंग एरिया में चली जाएगी। यहाँ पे हमको कार पार्किंग के लिए 12 फीट लंबाई मिल जाता है और 9 फीट 2 इंच यहाँ पे चौड़ाई मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटी कार जो है अच्छे से पार्क की जा सकती है। और इसी के बाद से अभी हम चलेंगे अपने घर के अंदर। तो यहाँ से जैसे अभी अंदर जाते हैं तो सीधे यहाँ पे एक ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो साइज़ है 10 फीट इसका लंबाई है और 9 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे सोफ़ा देख रहे हैं कि इसके सीढ़ी के नीचे प्लेस कर रखा है। यहाँ पे सीढ़ी जो है इधर से ऊपर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे आएंगे तो लगभग 4 फीट की हाइट मिल जाएगी, और इसके नीचे भी हमको ये काफ़ी जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना सोफ़ा या यहाँ पे टेबल भी प्लेस कर सकते हैं, और आप इसको गेस्ट रूम के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ड्राइंग रूम के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से सीढ़ी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो है 2.5 फीट चौड़ाई है सीढ़ी का, और ये सीढ़ी का जो ट्रेड है जिस पे अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है, 9 इंच का, और जो राइजर है वो 7 इंच का इसमें डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ से होते हुए हम अपने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएंगे। बाकी ये जो पोर्शन है ये सब ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसके नीचे हमको काफ़ी जगह मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे 3 फीट चौड़ा यहाँ पे पैसेज है, 3 फीट चौड़ा है जो कि इस वाली दीवार से लेकर यहाँ तक है। इधर से हम अभी अपने किचन के अंदर जाएंगे यहाँ से। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे एक ड्राइंग रूम हो जाता है, और यहाँ पे अभी किचन में अभी आ गए हैं हम। यहाँ पे किचन का जो साइज़ है 9 फीट 2 इंच इसका लंबाई है और 7 फीट इसका चौड़ाई है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको किचन एंड डाइनिंग के तौर पर भी इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आ जाते हैं इससे आगे। यहाँ पे एक 3 फीट चौड़ा पैसेज है, रास्ता है जिससे हम अपने बेडरूम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जैसे अभी जाते हैं तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है। इसका जो साइज़ है 6 फीट इसका लंबाई है और 3 फीट 4 इंच इसका चौड़ाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, और यहाँ पे 2 फीट बाई यहाँ पे 6 फीट का एक शाफ्ट भी डिज़ाइन किया हुआ है। इस वाली दीवार पे यहाँ पे 2 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो मिल जाता है, खिड़की, जिससे जो इस शाफ्ट के अंदर रोशनी आएगी वो ये विंडो ओपन होने से किचन के अंदर आएगी, और इसमें जो धुआं होगा किचन के अंदर वो इसी विंडो से इस शाफ्ट से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे एक वेंटिलेशन है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो जिससे जो इस टॉयलेट के अंदर जो स्मेल होगा, जो बदबू होगा, वो इस वेंटिलेशन से होते हुए शाफ्ट की तरफ होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधे अपने बेडरूम भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस पैसेज से जाएंगे तो यहाँ पे आगे हमको बेडरूम मिल जाएगा। 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे बेडरूम का साइज़ जो है 10 फीट इसका लंबाई है और 9 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज़ का एक कमरा मिल जाता है, और यहाँ पे एक विंडो है जिसका साइज़ है 2 फीट बाई 4 फीट का। तो शाफ्ट के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो के ओपन होने से इस कमरे के अंदर भी प्रॉपर उजाला रहेगा, और फिर से एयर एयर का भी सर्कुलेशन होगा। तो अभी देख लेते हैं इसमें कॉलम साइजेस के ये आप जो रेड कलर में जो देख रहे हैं, लाल कलर में, ये सारे कॉलम्स हैं जिनको पिलर्स बोलते हैं। इन पे बीम्स आ जाएगी, और सारे कॉलम्स एक दूसरे के लाइन है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो इन पे बीम आ जाएगी। और बीम का जो साइज़ होगा इसमें दोस्तों 9 इंच बाई 12 इंच का बीम आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस प्लॉट में मैंने यहाँ पे
इस प्लान में मैंने 8 कॉलम डिजाइन कर रखा है, जो कि आप देख रहे हैं आगे में भी 2 कॉलम है और यहाँ पे भी 2 कॉलम है, तो टोटल ये 8 कॉलम है। तो अभी यहाँ पे भी हम चलते हैं यहाँ से, अभी अपने जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे तो अभी आगे मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान डिज़ाइन कर रखा है, उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे हम वहाँ पे सीढ़ी से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो यहाँ से हमको यहाँ पे इधर 3 फीट चौड़ा यहाँ पे पैसेज मिल जाएगा, इधर से हम अपने एक यहाँ पे एक और बेडरूम मिल जाएगा हमको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में। तो यहाँ पे 9 फीट 2 इंच इसका लंबाई है और 12 फीट इस कमरे का लंबाई है, 9 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे 4 फीट का दरवाज़ा है जिससे ये खोलेंगे तो यहाँ पे हम अपनी बालकनी पे आ जाएंगे, जो कि फर्स्ट फ्लोर की नहीं, ये हमारी ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है और यहाँ पे भी यही बालकनी का जो साइज़ है सेम है, लेकिन यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है बालकनी के तरफ यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का, तो जिससे इधर बाहर से जो रोशनी आएगी वो सीधे इस बेडरूम के अंदर जाएगी। तो अभी आ जाते हैं इससे आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हम अपने यहाँ पे सीटिंग एरिया मिल जाता है, जो कि अभी ये जो सीढ़ी है जब हम अपने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो सेकेंड फ्लोर के लिए जा रही है, यहाँ से छत के लिए। अगर आप छत बनाएंगे, रूफ बनाते हैं तो रूफ पे जाने के लिए यहाँ पे ये जो सीढ़ी है वो यही सीढ़ी कॉपी हो रही है जो इनके नीचे से आ रही थी। यहाँ पे 2.5 फीट चौड़ाई है और यहाँ पे भी यहाँ पे 10 फीट इसका लंबाई मिल जाता है सीटिंग का, बैठक का, और 9 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है। यहाँ से अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक स्टडी रूम छोटा सा मिल जाता है, इसका जो साइज़ है 9 फीट 2 इंच है और 7 फीट इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे पढ़ने वढ़ने के लिए इस जगह का यहाँ पे चेयर और टेबल लगा के हम पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे इस जगह का। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ पे भी एक टॉयलेट मिल जाता है, जो कि टॉयलेट का साइज़ सेम ही है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था। तो यहाँ पर 6 फीट इसका लंबाई है और 3 फीट 4 इंच इसका चौड़ाई है। यहाँ पर भी सेम ही जो साफ्ट जो नीचे से आ रहा था वही साफ्ट हमारा छत तक ऊपर की तरफ जाएगा, रूफ तक जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर की छत होगी वहाँ तक जाएगा। अगर आप ऊपर बनाते हैं तो ये कॉलम और बीम के साइजेस चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे भी हमको एक और बेडरूम मिल जाता है 10 फीट बाई 9 फीट 2 इंच का। तो यहाँ पर भी एक अच्छा बेडरूम मिल जाता है इस स्टैंडर्ड साइज में। तो यहाँ पर भी विंडो है इसके लिए, जो उसकी 2 फीट बाई 4 फीट का है, तो इस बेडरूम में उजाला प्रॉपर रहेगा। जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, जो पिलर्स जिनको बोलते हैं, जिनको खम्भे बोलते हैं हमारे गांव एरिया में, पिलर्स बोलते हैं, तो वो सेम ही कॉलम्स हैं जो कि 8 कॉलम इस फर्स्ट फ्लोर पे भी, जो ग्राउंड फ्लोर से जो नीचे से आएंगे फाउंडेशन से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक यही कॉलम हमारे जाएंगे। और इन पर इन सब पे हमारी बीम जो आएगी 9 इंच बाई 12 इंच की बीम आएगी। तो अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए या मुझे कमेंट करिए इस प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो। और अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं हाउस प्लान से बहुत सारे वीडियो बहुत सारे चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो मुझे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।